हरफिन मौला खेल, 39 गेंदों में ठोके 105 रन, लिए 5 विकेट। चोट से वापसी करने वाले भारतीय हरफिन मौला हार्दिक पांड्या की 39 गेंदों में 105 रनों की आतिशी पारी के बाद 5 विकेट भी चटकार। पांड्या के इस शानदार प्रदर्शन से रिलायंस वन ने डीवाई पाटिल की T20 कप में मंगलवार को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीम को 101 रनों से बड़े अंतर से हराया। पिछले सप्ताह इस टूर्नामेंट से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट टीम में वापसी करने वाले पांड्या ने ग्रुप सी के इस मैच में 10 छक्के और 8 चौके लगाए, जिससे उनकी टीम ने 5 विकेट पर 252 रन बनाने के बाद CAG की पारी को 151 रनों पर समेट दिया। पांड्या ने गेंद से भी कमाल दिखाते हुए 5 विकेट चटकाए। इस मैच को देखने के लिए चयन समिति के अध्यक्ष MSK प्रसाद भी स्टेडियम में मौजूद थे। पांड्या को 5 महीने पहले कमर में चोट लगी थी, जिसके बाद लंदन में उनकी सर्जरी हुई थी। यह 26 वर्षीय खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले बेंगलुरु की राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहा था। इस पारी के बाद हार्दिक ने कहा कि वह जिस तरह से वापसी कर रहे हैं उससे काफ़ी खुश हैं। DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी के फेसबुक पेज पर हार्दिक ने, यह मेरे जैसे खिलाड़ियों के लिए शानदार मंच है। मैं 6 महीनों से बाहर हूँ। लंबे समय बाद यह मैं दूसरा मैच खेल रहा था। मेरे लिए यह शानदार मंच है जहां मैं देख सकता हूं कि मैं और मेरा शरीर इस समय कैसी स्थिति में है। जिस तरह से चीजें हो रही हैं मैं उससे खुश हूं। दक्षिण अफ्रीका सीरीज में वापसी की कोशिश में लगे भारत के हरफिन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने, जिसमें उन्होंने अपने पिछले 3 महीनों में बढ़े वजन का हवाला दिया है। पांड्या ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 68 किलो से 75 किलो तक 3 महीनों में बिना रुके प्रयास, कोई शॉर्टकट नहीं।